गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम सर्वोदय कोई विद्यालय शक्तिगढ़ नंबर 1 की छात्र है। मेरा नाम आरती है, मैं कक्षा 8वीं एम की छात्र हूँ। एंड मेरा नाम है नमन, मैं क्लास 9th ए से हूँ। और हमारा एक और टीममेट जो कि ड्यू टू हिज फीवर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है इस वीडियो में, बट उसने भी प्रोजेक्ट को बनाने में इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। उसका नाम जयंत है और 9th ए से ही है। तो हमारी टीम रेजिस्टेंस ने ATL मैराथन 2024 में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें हमने थीम नंबर 8 अदर्स को चूज किया है, क्योंकि हमारी सिटी में सब कुछ मतलब मिक्सअप है, एग्रीकल्चर भी है। तो जैसा कि हमें पता है कि फार्मर्स को बार बार इरीगेशन की वजह से फार्म में आना पड़ता है, और क्रॉप्स को पानी कम या ज़्यादा मिलने की वजह से वो ख़राब भी हो सकती हैं। और जैसा कि हमें पता है कि स्ट्रीट लाइट्स कभी कभी दिन में भी ऑन रह जाती हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। जैसे दिल्ली जैसे महानगरों में बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, जिससे अगर गलती से भी आग लग जाए तो वो आसपास की इमारतों में भी लग सकती है, जिससे ह्यूमन की जान को उनके माल को इफेक्ट हो सकता है। और बाकी दिल्ली जैसे महानगरों में पोल्यूशन का एक मेन कारण है व्हीकल्स, जिसके अंदर जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं वो एयर पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है और ह्यूमन्स की हेल्थ को भी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी बनाया है, जिसमें एग्रीकल्चर एरिया में हमने सॉइल मॉइस्चर सेंसर को यूज़ किया है, जो कि सेंस करेगा मिट्टी अगर गीली होगी तो ये पानी डालना बंद करेगा, और जैसे ही मिट्टी सूखी ये इस टैंक के थ्रू मिट्टी में पानी सप्लाई होता रहेगा। जैसे कि भी मिट्टी गीली है और ये पानी नहीं डाल रहा है, जैसे ही मिट्टी सूखी या फिर ड्राइनेस फील हुई ये पानी डालना शुरू कर देगा। और सेकेंड, हमने सेंसर एरिया बनाया है जो कि स्ट्रीट लाइट्स को ऑन या ऑफ टाइम टू टाइम करता रहेगा। जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रीट लाइट्स कभी कभी दिन में ओपन रह जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज का सबसे बड़ा रीज़न है, तो इसलिए हमने ये LDR लगाया है जो कि सेंस करता है नाइट और लाइट को। जैसे ही अंधेरा आया ये स्ट्रीट लाइट्स चलने लगी, और जैसे ही रोशनी आई ये बंद हो गई। सो बेसिकली हमने अपनी स्मार्ट सिटी में एक फायर अलार्म भी बनाया है, जिसके अंदर हमने IR सेंसर यूज़ किया है, जो कि जब हीट इंक्रीज होगी तो बजर बीप की साउंड क्रिएट करेगा, जिससे हम अपनी जान को और प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और फोर्थ पॉइंट, हमने वायरलेस चार्जिंग स्टेशन भी बनाया है। हमने यूजली अपनी सिटी में सारी के सारी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली व्हीकल्स रखी है, जिससे हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो डिक्रीज हो सके। और हमने चार्जिंग स्टेशन में कॉपर कॉइल और ट्रांजिस्टर भी यूज़ किया है, जिससे हमारी सारी कार्स जो है वो चार्ज हो जाए। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम फ्रॉम टीम रेजिस्टेंस।